सियासत की गढ़ इंदौर के विधानसभा 3 में चुनाव जीतने के लिए बीजेपी एक बार फिर से सनातन का सहारा लेती हुई नजर आ रही है। जहां चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी नेताओं के नेतृत्व में कांवड़ यात्रा निकाली गई। इस दौरान यात्रा में बीजेपी कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या नजर आ रही थी। देखिए खास रिपोर्ट। प्रचार प्रसार थमने के आखिरी दिन विधानसभा 3 से बीजेपी नेताओं ने कांवड़ यात्रा निकालकर सनातन की शक्ति दिखाने का प्रयास किया। इस दौरान कांवड़ यात्रा में विधानसभा 3 के तमाम बीजेपी नेता दिखाई दे रहे थे। विभिन्न मार्गों से होती हुई कांवड़ यात्रा राजवाड़ा पहुंची, जहां कार्यकर्ताओं ने लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर को नमन किया। इस दौरान कांवड़ यात्रा में दीपेंद्र सिंह सोलंकी, यश शुक्ला, अखिलेश शाह, अंजनेश शुक्ला समेत तमाम कार्यकर्ता नजर आ रहे थे। देखिए, जब भी भगवा यात्रा निकलती है, धर्म की आराधना होती है और धर्म के अस्तित्व को बचाने के लिए भगवा यात्राएं होती है। और जब युवाएं निकालते हैं, युवा इस कार्य को करते हैं, युवा उन सारे प्लेटफॉर्म को छोड़कर धर्म की राह पर जब चलते हैं, तो हमारा कर्तव्य होता है कि हम हर कदम पर उनका साथ दें। इसी भगवा यात्रा में मैं आज अपने सभी युवाओं का साथ देने आया हूँ, छोटे भाइयों का साथ देने आया हूँ। आज इंदौर के मध्य क्षेत्र के जितने भी वार्ड हैं, उनसे महिला पुरुष निकले हैं बोलबम कांवड़ यात्रा के माध्यम से, और सनातन को अच्छा करने के लिए और उसको बढ़ावा देने के लिए आज ये यहाँ पे माँ अहिल्या का कांवड़ यात्रा के जल से जलाभिषेक करने पहुँचे हैं सब लोग। यात्रा के माध्यम से हम सनातन को मजबूत करना है, सनातन को बढ़ावा देना है, और जिन्होंने सनातन के खिलाफ बोला है उनको सबक सिखाने के लिए ये यात्रा निकाली गई है। आज इंदौर मध्य क्षेत्र के विभिन्न वार्डों से, विभिन्न धार्मिक स्थलों से बोलबम कांवड़ यात्रा, चूँकि इंदौर में कांवड़ यात्रियों का एक बड़ा समूह, कई लोग निकालते हैं जो जुड़े हुए कांवड़ यात्री हैं, उनके घर वो खुद और उनके परिवार के लोग कांवड़ उठाकर यहाँ आए हैं और माँ अहिल्या का जलाभिषेक कर रहे हैं। और इंदौर के मध्य क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 में सनातन को स्थापित करने के लिए, इस देश के अंदर सनातन को बचाना है, धर्म को बचाना है, धर्म की रक्षा करना है, तो इनका संदेश है धर्म की रक्षा कौन करेगा। इनका नारा है हम करेंगे, हम करेंगे। धर्म की रक्षा के नारे के साथ ये कांवड़ यात्री यहाँ एकत्रित हुए हैं, और जो देश के अंदर, प्रदेश के अंदर जो विधर्मी लोग हैं, जो सनातन को समाप्त करने की बात कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि सनातन कौन है, जो कह रहे हैं सनातन को समाप्त करना है, उनको सबक देने के लिए आज यहाँ पर ये कांवड़ की यात्रा के रूप में हजारों कांवड़ यात्री, मात्र शक्ति और भाई एकत्रित हुए हैं। एक बार पुनः बोलिए सनातन धर्म की। आज हमने बाणेश्वरी कांवड़ यात्रा संघ के द्वारा युवाओं को नशे से मुक्त करने के लिए 17 तारीख को मतदान करने के लिए जागरूकता के लिए हमने ये भगवा कांवड़ यात्रा निकाली है। और मेरा सभी से निवेदन है, धर्म का साथ दे और न्याय का साथ दे और भारतीय जनता पार्टी को जिताए। भारत माता की जय। कुल मिलाकर देखा जाए तो सियासत की गढ़ इंदौर के विधानसभा 3 में चुनाव जीतने के लिए बीजेपी एक बार फिर से सनातन का सहारा लेती हुई नजर आ रही है। जहां चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी नेताओं के नेतृत्व में कांवड़ यात्रा निकाली गई। इस दौरान यात्रा में बीजेपी कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या नजर आ रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।